नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग अलग टाइप का ये जारे का बहुत ही मशहूर अचार है जो बनाएंगे हम लोग, और ये बड़ा झटपट में बन जाता है और अगले दिन से ही खाने लायक हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। आज हम लोग मूली, गाजर, अदरक, हल्दी और लहसुन का ये करेंगे अचार बनाएंगे, जो बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी दोनों होता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसमें मैं लहसुन और कच्चा हल्दी, ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है तो आप डालें, नहीं तो ना डालें, मैं डाली हूँ। इसमें आप गोभी भी डाल सकते हैं, सारा कुछ है। तो चलिए देखते हैं किसके लिए हमें क्या क्या चाहिए और कैसे बनेगा ये अचार। बनाने के लिए मैं ये अदरक 100 ग्राम ली हूँ, 100-100 ग्राम ही सारा कुछ मैं ली हूँ। उसको छील करके ऐसे पीस में काट ली हूँ, 1 से 1.5 इंच में। ऐसे ही गाजर भी ली हूँ, इस तरह टुकड़ा काट ली हूँ। ये ली हूँ, ये हरी मिर्च है जिसको बीच से मैं चीरा लगा ली हूँ। ये मूली है, मूली का भी ऐसे ही पीस की हूँ। और ये 3 नींबू है बड़े साइज का। और ये लहसुन ली हूँ, जो लहसुन खाते हैं उनके लिए बहुत हेल्दी होता है ये अचार में, तो मैं लहसुन ली हूँ। आप अगर नहीं खाते हैं तो आप लहसुन को छोड़ सकते हैं, लहसुन ऑप्शनल है। और ये कच्चा हल्दी है जो काफी हेल्दी होता है हमारे हेल्थ के लिए भी। खैर, इसमें जितना भी सामान है सब हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। और इस सब को मैं एक पतीले में डाल करके मिला लूंगी, नींबू साइड कर लूंगी, इस तरह से मिला लूंगी मैं। और इसमें जितना नमक जाएगा उस हिसाब से हम अंदाजा कर लेंगे कितना नमक चाहिए हमें। और मैं काली राई पीस ली हूँ, राई भी अपने आप में खट्टा होता है। ये कच्चा हल्दी काफी अच्छा होता है। ये मैं राई पहले से पीस के रखी हुई हूँ, तो ये बड़े वाले चम्मच से मैं 2 चम्मच डालूंगी, ज्यादा नहीं हमें डालना है। और नमक मैं बड़े वाले से 3 चम्मच डालूंगी, क्योंकि नमक इसमें ज्यादा खाएगा। और 1 चम्मच मैं इसमें अजवाइन डालूंगी, जो काफी अच्छा होता है टेस्ट के हिसाब से भी और वैसे भी। और अब नींबू काट करके मैं निचोड़ दे रही हूँ सारा। 2 नींबू मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ इसमें, ये तीसरा डाल रही हूँ। ये इस तरह से हटाएंगे ताकि हमारा बीज इस अचार में ना जाए। वैसे राई भी खट्टा होता है। और इस तरह से सारे को हम मिला देंगे, नमक टेस्ट करके हम देख लेंगे कि ठीक है कि नहीं है। बन जाने के बाद अगर कम लगेगा तो फिर हम उसमें डाल सकते हैं। अब मैं थोड़ा ही सा इसमें हल्दी पाउडर डालूंगी, जरूरत नहीं है पर फिर भी डाल दे रही हूँ मैं थोड़ा। ये 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ली हूँ और 1/2 चम्मच ही मैं ये हींग लूंगी। और इस सब को अच्छे तरीके से मैं मिला दे रही हूँ और धूप में दे रही हूँ। नींबू मैं इसलिए 3 डाली हूँ क्योंकि राई भी खट्टा होता है। और इसको इसी पतीले में मैं आज दिन भर धूप लगा दूंगी। और इसके बाद ये जार है मेरे पास, इस जार में डाल दूंगी दिन भर धूप लगने के बाद। ये बहुत जल्दी खाने के लिए अचार तैयार हो जाता है और खाने में भी बहुत स्वास्थ्य टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है, तो इसमें सारा है। अब मैं इसको धूप में डाल रही हूँ, ये तुरंत अचार तैयार हो जाता है खाने के लिए, अगले दिन से हम खा सकते हैं। तो चलिए मैं इसको धूप में डाल रही हूँ। और शाम को मैं इसमें करीब 50 ग्राम के आसपास तेल डालती हूँ। ये हम लोगों का अचार बनकर तैयार हो गया। आप लोग भी बनाइए, कैसा लगा आप लोगों को वीडियो जरूर बता। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट भी करें और हाँ शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू।